जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपका फिर से एक बार विजयपथ डिफेंस एजुकेशन में। आज की जो हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी उसमें आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन को, दिशा परीक्षण उसको बोला जाता है हिंदी में। सो डायरेक्शन की आज फर्स्ट क्लास रहेगी, दो क्लासें आनी है आपकी इसमें। और जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे डायरेक्शंस चैप्टर हो चुका है, ठीक है, जिनको पहले करवाया है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार डाले हैं, थोड़े से अप लेवल के, और उनको जो है वो छाया पर आधारित क्वेश्चन जो है वो नहीं करवाए गए थे, शेडो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाए गए थे, तो वो भी इस सीरीज में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए रहेगा ये, ट्रिक्स के साथ आज हम इसको करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हिमाचल पुलिस के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन 100% आपका डायरेक्शन का यहाँ पे बनेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए सीरीज ये रहने वाली है। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। नहीं धीरज, मूड तो है पढ़ाने का, मूड तो है, ऐसा नहीं कि मूड नहीं है। आपके लिए ही क्लासेस हम लगा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो कुछ टाइम के बाद जो हैं वो लीव कर जाते हैं क्लासेस को, तो ऐसा ना करें क्योंकि जो टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है आप उसी को उसी टाइम उसी टॉपिक को उसी टाइम जब आप आराम से पढ़ते हैं तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जो भी आपके पास बुक्स हैं उसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो भी आपको पीडीएफ्स आएंगी, आज आपको पीडीएफ्स आ जाएंगी रीजनिंग की, जो भी अभी तक आपके टॉपिक हुए हैं प्रैक्टिस सेट, जहाँ से आप उसको और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट सेशन आपके पास रहेगा ये आज का, जिसमें डायरेक्शन को आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आज है आपका इसका, और डायरेक्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। शैडो के ऊपर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रहने हैं, वो आपके पार्ट टू में आएंगे। तो इम्पोर्टेंट सेशन है, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपके पास एक पिक्चर जो यहाँ पे शो हो रही है, विशाल राजपूत, टेस्ट नहीं दिए। मैंने आपको बताया था कि वो अभी तक चेक नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि संडे को चेक करने हैं, बट संडे को जो है वो हिमाचल सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, तो उस वजह से जो है वो हमारा फिर से रह गया था। वो आपसे ही एक बार चेक करवाएंगे जब हम दोबारा मिलेंगे। माधुरी सर, कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन करवा दोगे? 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? हाँ कोई नहीं, आपको करवा देंगे, अभी आपको करवा देता हूँ मैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले डायरेक्शन को स्टार्ट करते हैं हल्का सा, फिर आपको ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कैलेंडर के लिए, तो सॉरी कैलेंडर नहीं, डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो डायरेक्शंस हमारे पास मेनली, डायरेक्शन को बोला जाता है दिशाएं। दिशाएं हमारे पास मेनली कितनी होती हैं? चार प्रकार की हमारे पास मेनली डायरेक्शंस होती हैं। चार प्रकार की हमारे पास डायरेक्शंस हैं, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, आपकी फोटो के ऊपर भी ये चीज शो हो रही है। सबसे पहले ये वाली जो आपकी डायरेक्शन है इसको ईस्ट बोला जाता है, या फिर आप इसको हिंदी में पूरब भी बोल सकते हैं। जो दूसरी वाली डायरेक्शन है आपकी, इसके बिल्कुल दूसरी तरफ, उसको पश्चिम या फिर वेस्ट बोला जाता है। उसके बाद जहाँ पर पहाड़ होते हैं, ठीक है, उस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ या फिर उत्तर डायरेक्शन। और जो उसके बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पे हमारे समुद्र हैं, वो साउथ या फिर दक्षिण। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और लास्ट वन है हमारे पास साउथ। चार मेजर हमारे पास डायरेक्शन है। ईस्ट की तरफ हमारा सन आता है, जहाँ से सन हमारा उगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ पे हमारा सन डूबता है वो हमारी पश्चिम दिशा है, जहाँ पे पहाड़ हैं वो हमारा उत्तर है, और जो हमारा जहाँ पे हमारा समुद्र है वो है हमारा दक्षिण। जब इन चारों डायरेक्शंस के बीच एक एक एरो और लगा दिया जाता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच मैंने एक लाइन लगा दी, तो जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच जब कोई एक लाइन लग जाती है तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट।
मतलब उत्तर और पूर्व के बीच जब मैंने एक लाइन लगा दी तो उसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको ये क्लियर है पहले से ही। उसको हिंदी में पूर्वोत्तर भी बोला जाता है। जो हमारा इसके बिल्कुल रिवर्स में जो हमारी डायरेक्शन यहाँ पे बनाई जाती है वो है हमारी साउथ वेस्ट, जिसको दक्षिण पश्चिम बोला जाता है, बिल्कुल इसके रिवर्स में। उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बात करते हैं, उसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट। और दक्षिण पूर्व जो है वो उसके बिल्कुल अपोजिट आएगा, जो हमारी साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शंस आती हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको कैलेंडर का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, टेंशन ना ले आप। इसी वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। मैं आपको करवा दूंगा इस क्वेश्चन को अभी। तो ये हमारा डायरेक्शंस का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसके अगर सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ डायरेक्शंस के लिए, डायरेक्शंस में आपको और क्या क्या चीज़ें समझनी हैं, एक सिंपल सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक लड़का है राम, ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। एक लड़का है राम, वो किसी पॉइंट से चलना शुरू करता है। मैंने एक पॉइंट बना लिया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वो साउथ की दिशा में जाता है। आपको अपनी कॉपी में तीन चार वर्ड जो हैं वो लिख लेने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन हैं वो हिंदी में रहेंगे और आपको इसलिए कोई डाउट ना बने आपका किसी क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरब बोलते हैं। उसके बाद आपको लिखना है वेस्ट, जिसको बोला जाता है पश्चिम। उसके बाद आएगा नॉर्थ, जिसको बोला जाता है उत्तर। और उसके बाद आएगा साउथ, जिसको बोला जाता है दक्षिण। उसके बाद दो सबसे मेजर जो कॉन्सेप्ट हैं वो है आपका एक लेफ्ट और दूसरा है आपका राइट। बच्चे ज़्यादातर इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में साथ में लिख लेने हैं। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, ये आपको लिख लेना है, क्योंकि मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा तब आप बार बार इस चीज़ में पजल ना हो जाएं, इसलिए आप अपनी कॉपी में साथ में ये चीज़ लिख लें। लेफ्ट का मतलब बाएं और राइट का मतलब होता है दाएं। राइट का मतलब होता है दाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, राम जो है वो एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ये इसका कोई स्टार्टिंग बिंदु है ए। फॉर एग्जांपल ये दक्षिण की दिशा में जाता है, ये दक्षिण की दिशा में चला गया यहाँ तक, ठीक है, साउथ की डायरेक्शन में चला गया। अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, आपके सामने इस वे में खड़ा हूँ, तो मेरा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ठीक है। अगर आप सन की डायरेक्शन में जाते हैं तो आपका राइट नीचे और लेफ्ट आपका ऊपर। अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो आपको रिवर्स करना है। जैसे अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ, आपका ये वाला राइट था, ये वाला लेफ्ट था, तो जो राइट है वो इस तरफ आ जाएगा आपका, और जो लेफ्ट है वो आपका इस तरफ आ जाएगा। बस आपको इतनी सी चीज़ जो है वो हल्की सी क्या करनी, चेंज करनी है। वैसे आपका दूसरी तरफ जो राइट यहाँ पे नीचे है सन की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, तो राइट आपका ऊपर चला जाएगा और लेफ्ट आपका नीचे आ जाएगा। बस आपको इतनी सी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पजल कर रही है कि कौन किसके क्या लेफ्ट में आएगा, तो आपको बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ तो आप बना सकते हैं, ये इस तरफ आपका राइट हैंड, इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड, तो जो आपका दूसरा पेयर बनेगा हमेशा राइट राइट इकट्ठे नहीं आते, इसलिए ये लेफ्ट बन जाएगा, ये राइट बन जाएगा। अब नीचे की बात करता हूँ तो राइट यहाँ पर है, तो यहाँ पे राइट नहीं आ सकता, क्योंकि पेयर इक्वल के नहीं बनते हैं, तो ये लेफ्ट बनेगा तो ये राइट बनेगा। फिर ऐसे बनाएंगे, ये यहाँ पे राइट है तो ये लेफ्ट बनेगा, ये आपका लेफ्ट है तो ये आपका राइट बन जाएगा। तो आपको यहाँ से ये वाली चीज़ इजीली क्लियर हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राम जो है वो फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर साउथ में चला गया, उसके बाद वो वेस्ट की डायरेक्शन में जाता है। वेस्ट की डायरेक्शन बोल सकता हूँ मैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वो राइट की तरफ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब वो साउथ में गया था, जब वो डाउन की डायरेक्शन में गया, उसके बाद वो राइट मुड़ा, मतलब राइट की तरफ कौन सी डायरेक्शन आ गई उसकी? वेस्ट डायरेक्शन आ गई। फॉर एग्जाम्पल वो फिर से कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। अब यहाँ से वो नॉर्थ की डायरेक्शन में फिर से कितना चला जाता है? 10 किलोमीटर चला जाता है। 10 किलोमीटर नॉर्थ में वो चला जाता है। अब यहाँ पे उसकी वो जो जर्नी है वो खत्म होगी, मतलब ये इसका एंडिंग पॉइंट और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों के बीच का गैप कितना है, एंडिंग और स्टार्टिंग के बीच का गैप कितना है, तो जितना आपका नीचे वाला गैप था तो उतना ही आपका क्या होगा, ऊपर वाला गैप आएगा, 10 किलोमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
दूसरे नंबर पे बात करते हैं जो आपकी डायरेक्शन है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है, तो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, उसकी तरफ एरो बना देना है। आपको क्या करना है, उसकी तरफ एरो बना देना है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग की तरफ आपको एरो बना देना है, तो आपको इसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ, स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ जाना है, तो एरो किस तरफ लगा, कौन सी डायरेक्शन आ गई, वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपको एंडिंग से स्टार्टिंग की डायरेक्शन में पूछा जाए, तो आपकी डायरेक्शन कौन सी आ गई, ईस्ट डायरेक्शन आ गई। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड वन, जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है वो है आपकी पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो आपकी थ्योरम है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई एक लड़का सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल, वो 4 किलोमीटर डाउन में गया, साउथ में गया, उसके बाद 3 किलोमीटर वो सूर्य की डायरेक्शन में गया, सन की डायरेक्शन में गया, तो आपको अगर ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच दूरी कितनी है, तो आपको यहाँ पे थ्योरम लगानी है, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, ये जो हमारी तिरछी वाली लाइन है, टेढ़ी वाली जो लाइन होती है, इसको बोला जाता है हाइपोटन्यूज, या फिर हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको बोला जाता है बेस, मतलब कि आधार। और ये जो आपकी अप वाली लाइन है, इसको ऊंचाई, या फिर बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। हाँ, शेडो वाले क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे, बट सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर शेडो वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो जिन बैचेस के डायरेक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, उनका ये पोर्शन रह जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा नहीं तो। तो आपको पीजीटी थ्योरम तो पता है, सबसे पहले एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। एच आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पी आपके पास गिवन है परपेंडिकुलर, 4 का स्क्वेयर आपके पास आएगा 16, उसके बाद आपके पास बी, बेस कितना है 3, 3 का स्क्वेयर आ गया 9, 16 और 9 कितने हो गए 25। अब यहाँ पे एच स्क्वेयर था, तो स्क्वेयर हटाना है, तो 25 के ऊपर लगेगा रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पाइथागोरस के साथ साथ आप ट्रिपलेट रूल भी लगा सकते हैं, जो आपके मैथ में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ट्रिपलेट जो डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देते हैं, कि अगर हमारा कोई पीजीटी थ्योरम से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व होना है, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3, 4 और 5 ये हमेशा पेयर में चलते हैं, जहाँ से पाइथागोरस जो वो 100% प्रूफ हो जाती है। अच्छा, ये इसका बेसिक वाला पार्ट हो गया, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहले जो आपका डाउट है, एक बार मैं उस क्वेश्चन को आपको करवा देता हूँ, जो भी आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन था 19 जून 2020, हाँ 19 जून 2020 का आपका क्वेश्चन, 19 जून 2020 ये आपका क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले है 19 जून 2020, कल मैंने आपको बताया था कि आपको इसको ब्रेक करना है सबसे पहले ईयर में, तो 2020 का मतलब 2000 की हमारी शताब्दी चली है, उसके बाद ये 20 साल तो इसका चला है, लेकिन 19 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और 20वें साल का अभी तक सिर्फ हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 19 जून तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद 2000 का कोड मैंने आपको बताया था, 2000 का कोड होता है 0, फिर जो आपके साल हैं, ये जो 19 हैं, आपने इसको लिखना है 2 बार, एक को आपको करना है 7 से डिवाइड, और एक आपको करना है 4 से डिवाइड, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और लास्ट में हम कहाँ तक जा रहे हैं, 19 जून तक हम जा रहे हैं, उसके बाद 0 तो एज इट इज ही रहेगा। 7 से 19 को कट करेंगे, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, तो जब हम 7 से 19 को डिवाइड करते हैं, दो दो बार ये पूरी तरह कट जाएगा 14 तक, और उसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास बच जाएगा 5, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद 4 से 19 को काटेंगे, तो कितनी बार कंप्लीट कटेगा, 4 5 20 होते हैं, बट 4 4 16, तो 4 टाइम कंप्लीट कटेगा,
फोर टाइम्स कंप्लीट कट जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ तक जाना है, 19 जून तक जाना है। 19 जून आप डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाएंगे, जब भी आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आपका सबसे पहले जनवरी आता है, तो जनवरी कितने का आएगा, 31 दिनों का आएगा। उसके बाद आएगा फरवरी। अब फरवरी में जब आप चेक करेंगे तो 2020 क्या है, आपका लीप ईयर है, तो इसका मतलब कि फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की होगी। उसके बाद फरवरी हो गया, फिर आ जाएगा मार्च, उसके बाद आ जाएगा आपके पास अप्रैल, उसके बाद आ जाएगा मई, उसके बाद आएगा आपके पास जून। तो जून के कहाँ तक जाना है, हमने सिर्फ और सिर्फ 19 जून तक ही जाना है। तो जब हम 19 जून तक यहाँ पर चले गए तो आपको या तो सबको ऐड कर सकते हैं, 19 को 7 से डिवाइड क्यों किया, 19 को 7 और 4 से इसलिए डिवाइड किया ताकि हम नॉर्मल ईयर और जो हमारे लीप ईयर हैं उनको कैलकुलेट कर सकें। ये आपका मेथड है, ये आपकी ट्रिक है, ये आपका फिनोमिना है जहाँ से आप इसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। ये आपका एक फिनोमिना है जहाँ से आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। आपको लीप ईयर कैलकुलेट करने हैं और साथ में आपको नॉर्मल ईयर कैलकुलेट करने कि कितने आपके पेंडिंग बचते हैं। तो उस चीज़ के लिए 7 और 4 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उसके बाद आप इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं, आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर पेयर में काटना चाहें तब आप पेयर में काट सकते हैं। तो सबसे पहले ये आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 4। अभी मैंने पेयर में नहीं काटा 5 और 4 को, 31 कल मैंने आपका बताया था, 31 के आसपास 28 दिन हैं, तो 28 से 28 दिन कट जाएंगे 4 हफ्तों में, तो कितने दिन पेंडिंग बचेंगे, 3 दिन। 29 में से 28 दिन चले गए तो पेंडिंग बचा 1 दिन। ये आपको मेथड क्लियर होना चाहिए। अभी तक अगर आपको मेथड क्लियर नहीं है तो एक बार पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, ये मैं कैसे इसको काट रहा हूँ। ये चीज़ अगर आपको आ गई तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 31 फिर से कट जाएगा तो 31 के आ जाएंगे पेंडिंग 3 दिन। उसके बाद जो आपका 20 है, सॉरी 30 है, इसके आपके पेंडिंग रह जाएंगे 2 दिन। उसके बाद 31 के आपके पेंडिंग रह जाएंगे 3 दिन। और अगर इस 19 को अगर मैं तोड़ के लिखता हूँ तो 19 को जब मैं तोड़ूंगा तो 19 का मतलब 14 डेज तो हमारे चले गए, तो बचे कितने मेरे पास, 5 दिन बचे। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो जो पेयर बनते हैं आप उसको बना सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, 5 और 2 7, हफ्ता बन गया तो काट दिए। 4 और 3 7, हफ्ता बन गया तो काट दिए। उसके बाद 3 और 3, 3 और 3 कितने, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो ये हमारा कट गया। तो हमारा पेंडिंग क्या बचा, 5, हमारा पेंडिंग बचा यहाँ पर 5। तो 5 किसका कोड होता है, ये मैंने कल आपको बताया था। 5 किसका कोड होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 0 से स्टार्ट करते हैं, या फिर 7 भी बोला जाता है इसे, फिर 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 किसका कोड आ रहा है, फ्राइडे का कोड आया है। आप इसको एक बार कैलेंडर से भी चेक कर सकते हैं, फ़ोन से, तो आंसर क्या आएगा आपका, फ्राइडे, आपका आंसर आएगा फ्राइडे। अच्छा, रिया मेहरा, हाँ सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मैं कल एक बार चेक कर रहा था कि किसी ने भी मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि जब अगर मैं यहाँ पे किसी एक साल को कम लेके चलता हूँ, 2000 अगर मेरे पास 6 है, इसका मतलब है कि 2000 की शताब्दी चली है और 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो 5 को जब मैंने 2 बार लिखा, इसका मतलब एक को 7 से डिवाइड करूंगा, एक को 4 से डिवाइड करूंगा, तब ये मेरा 7 तो 5 से कटता ही नहीं है। हाँ, कल मेरे से किसी ने नहीं पूछा था ये वाला क्वेश्चन। तो जब आपका ये चीज़ नहीं कटती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 उसको डायरेक्ट रिमाइंडर में लिख देना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस और कोई इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं कटती है तो आपको डायरेक्ट वही सेम टू सेम चीज़ वहां पे उतार देनी है। हाँ, प्रथम कैलेंडर ले जाना साथ में, अगर ले जाने देंगे तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन कैलेंडर जब आप लेके जाएंगे तो अगर आप 2020 का अगर साथ में लेके गए, और हो सकता है आपसे 2025 का पूछ लिया जाए, फिर आप क्या करेंगे। हाँ, जैसे आयुष शर्मा जी बोल रहे हैं कि 17 जून 2003 को क्या आएगा, तो जब आपका 2000 यहाँ पे 3 आएगा, इसका मतलब 2003 आपका चला है, तो 2000 की शताब्दी,
और प्लस 2 साल आपके पूरे हो चुके हैं। तो जब आपने 2 को 2 बार लिखा, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से, तो ये 7 से नहीं कटता, तो आपका एज इट इज 2 लिखा जाएगा। और जब आपका 4 है, 4 से 2 नहीं कटता, तो इस 2 को भी आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है, बस इतना सा आपका क्वेश्चन है, और कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपका। आप इजीली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर, डिवाइड बाय 4 वाले में भी ऐसे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, हाँ यहाँ पे 1 मिनट, ये 2 नहीं आएगा। जब आप इस 4 को 5 से कट करेंगे, तो आपको पता है कि एक बार कंप्लीट कटा, लेकिन जब आपके पास यहाँ पर 2 है, जब आप इस 4 को कट कर रहे हैं, तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो आपको 2 नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको 0 लिखना है। ये चीज मैंने ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक बताई थी आपको, यहाँ पे आपको 0 ही लिखना है, क्योंकि 4 हमारा पेयर नहीं बन रहा है, मतलब 4 साल अभी हुए नहीं है, सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, तो 4 साल का मतलब लीप ईयर नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हाँ ठीक है, आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, डायरेक्शन के ऊपर। आगे अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी कल, उसमें हम ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का, आप इसको ट्राई करें। एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, मतलब साउथ की ओर जाता है। मैंने आपको बोला था आप अपनी कॉपी में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लें, साथ में लेफ्ट और राइट भी दोनों उसको लिख लें, ताकि जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बाइलिंगुअल नहीं बनाए हैं, क्योंकि स्लाइडें बनाने का काम थोड़ा सा लेंथी होता है, आपको पता है करंट अफेयर की स्लाइड भी बनानी पड़ती है, रीजनिंग की भी स्लाइड बनाने का काम है, और डेली आपको अगर क्लासेस चाहिए तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए एक ही लैंग्वेज में बन पाती है स्लाइड। तो आप अपनी कॉपी में साथ में लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 6 चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? 7 किलोमीटर उत्तर, 3 किलोमीटर उत्तर, 3 किलोमीटर दक्षिण, या 7 किलोमीटर दक्षिण? चेक करेंगे, अगर आपके कैलेंडर के एक और डाउट हैं तो एक सेशन और लगा देंगे आपके लिए क्वेरीज का, कैलेंडर का। इतना आसान नहीं है जितना, अगर आप अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कैलेंडर समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बिना कोड के मेथड आपको मैंने सिखाया है यहाँ पर। अगर आप YouTube से इसको फॉलो करते हैं किसी अनदर जगह से, तो आपको इसके कोड याद करने पड़ेंगे, और कोड जो हैं वो आपके हर बार चेंज हो जाते हैं। लीप ईयर में कोड कुछ और होंगे, नॉर्मल ईयर में कोड कुछ और होंगे। मैंने आपको सिर्फ ब्रेकिंग मेथड सिखाया जो 100% आपका काम करेगा। हाँ, सबसे पहले आंसर आया है रोक स्टार, 3 किलोमीटर नॉर्थ, अमित पहाड़िया, 3 नॉर्थ। हाँ, ऑप्शन सी के ऊपर जा रहे हैं सभी, तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज को। एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, कोई एक आदमी है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और 2 किलोमीटर जो है वो मैंने उसको पहुंचा दिया दक्षिण की तरफ। उसके बाद बोला है फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, मतलब वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है, और 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की तरफ मुड़ गया, और कितने किलोमीटर गया है वो, 4 किलोमीटर गया। उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उत्तर की तरफ तो जा रहा है लेकिन 5 किलोमीटर, लेकिन जब यहां तक पहुंच जाएगा, जब यहां तक पहुंच जाएगा, इसका मतलब है कि जितना ये वाला डिस्टेंस था उतना ही अभी तक इसने ये क्रॉस किया, इसका मतलब अभी तक इसने सिर्फ 2 किलोमीटर ही क्रॉस किया है, लेकिन आपको बोला कितना था, आपको बोला है 5 किलोमीटर, तो आपको यहां पे, आपको यहां पे 5 किलोमीटर तक लेके जाना है। सबसे पहले ये 2 किलोमीटर साउथ में गया, उसके बाद आपका ये पश्चिम में जाएगा 4 किलोमीटर, अब 5 किलोमीटर नॉर्थ है, तो आपको इस 2 किलोमीटर से ऊपर लेके जाना है, तब आपका वो कंप्लीट होगा 5 किलोमीटर। अब वे फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है, जैसे आपका फेस अगर ऊपर की तरफ है तो आपका राइट इस तरफ आएगा, तो वो राइट साइड कितना मुड़ता है, 4 किलोमीटर। जितना ये वाला डिस्टेंस था उतना ही वो कवर करेगा, तो इसका मतलब कि यहाँ इस पॉइंट पे वो पहुंच जाएगा। अब आपसे पूछा कि शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब वो कहाँ है, ये इसका है स्टार्टिंग पॉइंट,
ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है इसका एंडिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं कि वो किस दिशा में देख रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सी डायरेक्शन को देख रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन को देख रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ और है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वो किस दिशा में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आपको चेक करना है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, यहाँ से आप चेक करें कौन सी डायरेक्शन है, तो वो आपकी डायरेक्शन बन गई नॉर्थ डायरेक्शन। और डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा। लेकिन टोटल है कितना, टोटल है 5 किलोमीटर, तो 2 तो यहाँ से यहाँ वाला आ गया, तो बचा कितना, 3। अगर ये वाला डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोमीटर उत्तर। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। हाँ जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। दो मोटरसाइकिल सवार ए और बी एक ही बिंदु से अपनी सवारी शुरू करते हैं, एक ही पॉइंट से वो जा रहे हैं ए और बी। उसके बाद बोला है ए जो है वो पूरब की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कोई, ए जो है वो किस तरफ चला जाएगा, ए चला जाएगा आपका पूरब की तरफ। ए आपका जाएगा पूरब की तरफ। ए पूर्व की तरफ जाता है 11 किलोमीटर। जल्दी से अपना आंसर करें। आपको डायरेक्शन कितनी भी क्यों ना आती हो, आपका जो आंसर है वो कम से कम, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कम से कम आपका आंसर 30 सेकंड में आना चाहिए। चाहे आपको डायरेक्शन का पूरा चैप्टर ही क्यों ना रिवाइज हो, अगर आप 30 सेकंड में अपना आंसर देते हैं तब इसका मतलब कि आपके जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। आपका आंसर 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। आपको खुद पता है कि हिमाचल पुलिस के एग्जाम में 60 मिनट का आपका पेपर है और उसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 20 सेकंड है वहां पे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का। जल्दी से आंसर करें आप। ऑप्शन ए के साथ आप जा रहे हैं, ऑप्शन ए, हाँ 10 किलोमीटर दक्षिण। हाँ बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है आपका, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। हाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट आता तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पर। आपको बोला गया है दो मोटर सवार ए और बी एक ही बिंदु से अपनी सवारी शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से दोनों ने चलना शुरू किया, ए जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, सॉरी ए जो है वो पूरब की तरफ जा रहा है, तो पूरब आपका दूसरी तरफ बनेगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, ए जो है वो आपका पूरब की तरफ चला गया, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट। ए यहाँ पूरब की तरफ चला गया कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर। उसके बाद बोला है कि वो दाएं मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर आगे जाता है। इसका दाएं कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये मैंने आपको बताया था। 9 किलोमीटर ये फिर से चला गया। उसके बाद बी उत्तर की ओर जाता है, यहाँ से दोनों ने चलना शुरू किया था तो बी अब उत्तर की तरफ जाता है, बी इस तरफ जाएगा और कितना जाएगा, 8 किलोमीटर। अब वह पूरब की तरफ मुड़ जाता है और 11 किलोमीटर जाता है, ये इस तरफ मुड़ जाएगा और कितने किलोमीटर जाएगा, 11 किलोमीटर। अब बी यहाँ पे पहुंच चुका है। अब बोला है फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक सवारी करता है। अब ए तो यहीं पे रुक गया है, ए तो यहाँ पे रुक गया, वो तो 9 किलोमीटर साउथ में गया और रुक गया। अब बी जो है वो नीचे जाता है 7 किलोमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 8 किलोमीटर है, तो ये कंप्लीट नहीं जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे रुक जाएगा। तो बी पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया।
अब आपसे पूछा कि ए के संबंध में, सॉरी बी के संबंध में ए कहाँ पर है, ए की डायरेक्शन आपको बतानी है, बी से लेके ए तक जाना है। तो सबसे पहले ये जो गैप है ये 1 किलोमीटर का गैप, ये और नीचे कितने का, 9 किलोमीटर का, तो टोटल कितने किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का। और डायरेक्शन कौन सी, नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी आपकी, ऑप्शन ए दक्षिण। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, टाइम स्टार्ट है आपका 30 सेकंड के अंदर आपका अगर आंसर आता है तो मतलब आपकी स्पीड काफी अच्छी है, जल्दी से आंसर करें, 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। कल आपके लिए जो है वो एक टाइमर भी यहां पे रखेंगे। आपके लिए एक टाइमर भी रखेंगे कल से, ताकि आप जो है वो खुद अपने आप को एक बार चेक कर सकें कि कितनी स्पीड में आपका आंसर जो है वो निकल रहा है। जल्दी से आंसर करें इसका। पोस्टमैन अपने घर से, अपने डाकघर से जो है वो डाक देने के लिए जा रहा है। हाँ, सबसे पहले आंसर आ गया समीक्षा का, 3 किलोमीटर, बट 3 तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं, 3 तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं। मनीष कुमार ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, बट वो गलत है। आयुष आपका आंसर भी गलत है, ऑप्शन सी एक्यूरेट आएगा। रॉकस्टार 1 किलोमीटर साउथ, हाँ इनका आंसर बिल्कुल सही है। रिजुल कपूर ऑप्शन ए, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है वो गलत है, सभी के ऑप्शन ए आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन सी आंसर आएगा। रिया मेहरा का आंसर भी ठीक है। अमित पहाड़िया, हाँ ऑप्शन सी जो है वो एक्यूरेट आंसर आएगा। एक बार इसको बना के देख लेते हैं। सबसे पहले बोला कि पोस्टमैन जो है वो अपने डाकघर से साइकिल पर जाता है और दक्षिण की तरफ जाता है 7 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल यहां से चलना शुरू किया उसने और यहां से वो जाएगा 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, ठीक है, 7 किलोमीटर जाएगा दक्षिण की तरफ। नहीं, जूम तो नहीं है इसमें अभी तक पॉसिबल, क्योंकि आपकी स्लाइडों के ऊपर जूम ऑप्शन नहीं होता है। पीडीएफ में होता तो मैं जूम कर देता इस चीज को। आपके जो ऑप्शन है वो है 1 किलोमीटर उत्तर, 2 किलोमीटर उत्तर, 1 किलोमीटर दक्षिण और लास्ट है 2 किलोमीटर दक्षिण, ये आपके ऑप्शन है। दिखने तो चाहिए वैसे आपका ऑप्शन 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला गया और उसके बाद पश्चिम की तरफ मुड़ता है वो 5 किलोमीटर, इस तरफ मुड़ जाएगा 5 किलोमीटर, उसके बाद 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, मतलब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन 6 जाएगा। ये यहां तक डिस्टेंस कितना उसका, 7 है लेकिन अब 6 जा रहा है, तो मतलब थोड़ा सा कम रहेगा, यहां तक पहुंच गया वो। उसके बाद साइकिल चलाता और दाहिने मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, इसका राइट जाएगा इस तरफ 5 किलोमीटर, यहां तक पहुंच जाएगा वो, इस पॉइंट पे पहुंच गया वो। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है इसका एंडिंग पॉइंट, एंडिंग, और ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब आपसे पूछा कि अब वह किस डायरेक्शन में स्थित है। अब आप स्टार्टिंग अगर बिंदु से देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था उसका, पोस्ट ऑफिस था, डाकघर था, यहां से वो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये वाला इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये कितने किलोमीटर का गैप बना, 1 किलोमीटर का गैप, और डायरेक्शन कौन सी बनी, साउथ डायरेक्शन, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अच्छा, मैम ने आपको अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, हाँ काफी अच्छे तरीके से आपको करवाए हैं मैम ने, ठीक है, ट्रिक्स भी आपको बताई हैं, तो उन्हीं ट्रिक को आपको फॉलो करना है और स्पीड आपको रखनी है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपके, सबसे पहले आपका आंसर आ रहा है, तो स्पीड आपको यहाँ पे रखनी है। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैम से डिस्कस करके मैं थोड़े से क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे से हो पाए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करें।
जल्दी से आंसर बताएं इसका, क्या आंसर आएगा? एक आदमी है जो उत्तर की तरफ जाता है 2 किलोमीटर, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है 2 किलोमीटर, फिर वो पश्चिम की तरफ जाता है इस डायरेक्शन में 6 किलोमीटर जाता है, उसके बाद उत्तर की तरफ जाता है वो 7 किलोमीटर, उसके बाद किस डायरेक्शन में जाता है? नॉर्थ की डायरेक्शन में, और कितना जाता है? 7 किलोमीटर जाता है। हाँ, ऑप्शन बी के ऊपर आप जा रहे हैं सारे। हाँ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 9 किलोमीटर उत्तर। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आप सभी का। तो 7 किलोमीटर वो उत्तर की तरफ जाता है, फिर वो राइट साइड मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब कि वो इस पॉइंट के ऊपर वो पहुंच जाता है। अब आपसे पूछा शुरुआती स्थिति के संदर्भ में, अब वो किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग यहां से चला था वो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहां पे रुक गया है तो ये इसका क्या है? एंडिंग पॉइंट है। तो आपको स्टार्टिंग से एंडिंग की डायरेक्शन बतानी है, स्टार्टिंग से एंडिंग की डायरेक्शन, और टोटल डिस्टेंस भी आपको बताना है। तो डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है, मतलब आपकी डायरेक्शन आ गई नॉर्थ। अभी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, और उसके ये वाला जो डिस्टेंस है बाद का, ये 7 किलोमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 7। तो 7 और 2 9, 9 किलोमीटर नॉर्थ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी करें, जल्दी से आंसर करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम का यूज होना है। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया गया है यहां पर, फॉर्मूले वाला ही क्वेश्चन अब आपके लिए डाला गया है। इसका आंसर करें जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। अंकुश अंगारिया का सबसे पहले आंसर आया है ऑप्शन सी, बट आपका आंसर गलत है, क्योंकि आपका 1 नंबर जो है वो इस क्वेश्चन से कट गया है, आपका आंसर गलत है। अब 80 में से आपके पास सिर्फ 79 मार्क्स रह गए हैं, आपने तो ऑप्शन चेंज कर दिया। आप जो आपकी आंसर शीट है उसमें ऑप्शन नहीं चेंज कर सकते आप, क्योंकि जो चीज आपने वहां पे एक बार लिख दी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जल्दबाजी ना करें, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी आपको बता दिया था कि आपको डायरेक्शन कितनी भी क्यों ना आती हो, आप कितने भी डायरेक्शन में परफेक्ट क्यों ना हो, अगर आप 30 सेकंड के अंदर अपना आंसर निकाल रहे हैं तो आपकी स्पीड मायने करती है। थर्टीन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आना चाहिए आपका, 13 आएगा एक्यूरेट आंसर। हाँ अंकुश, प्रथम, रॉकस्टार, विशाल, सबके आंसर आ रहे हैं, लेकिन विशाल आपका आंसर गलत है। एक बार चेक करें आप अपने आंसर को। मनोज जो है वो उत्तर की तरफ जाता है सबसे पहले, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, कितने किलोमीटर जाता है? 12 किलोमीटर। यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपको बोला गया फिर वो दाई ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, अब इसका दायां कौन सा आएगा? इसका जो दायां है वो आएगा पूरब की दिशा में, इस तरफ को जाता है ये और 12 मीटर जाता है, उसके बाद फिर से दाई ओर मुड़ता है मतलब नीचे की तरफ, और 7 मीटर चलकर महाविद्यालय पहुंच जाता है, फिर से दाएं मुड़ता है यहां तक 7 किलोमीटर और अपने कॉलेज पहुंच जाता है, वो फिर से पुनः दाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अब इस पॉइंट से वो फिर से क्या करता है? राइट साइड मुड़ता है, अब फिर से वो राइट साइड मुड़ेगा, तो राइट साइड इसका ये वाला आ गया, और कितने जाता है? ये 12 ही जाएगा, तो ये चीज आ गई। अब आपको बोला है कि स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की दूरी दूरी आपको बतानी है, मतलब यहां से लेके जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आपको दूरी बतानी है एंडिंग पॉइंट की, नहीं एंडिंग एंडिंग पॉइंट की नहीं बोली गई, आपको आर पॉइंट की बोली गई है। आर आर का मतलब है ये वाला पॉइंट, जब वो अपने कॉलेज में पहुंचा था, जब वो अपने कॉलेज में पहुंचा था, आपको बोला गया था कि यहां से ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है? 12 किलोमीटर है,
उसके बाद ये वाला डिस्टेंस भी कितना है 12। आपको ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये वाली चीज़ हाइपोटन्यूज आपको कैलकुलेट करना है। ये टोटल डिस्टेंस अगर आपका 12 है और ये वाला 7 है तो ये भी कितना होगा 7, तो ये कितना रह जाएगा, नीचे वाला 5 रह जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब फॉर्मूला होता है एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, पी का मतलब 5 का स्क्वेयर करेंगे तो 25, उसके बाद 12 का स्क्वेयर मतलब बेस का स्क्वेयर तो आ गया आपके पास आएगा 144, ऐड कर देंगे तो 169। अब जब आपके पास वैल्यू निकल आई एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 169, तो आपको क्या करना है, स्क्वेयर हटाना है, तो बोथ साइड आपको रूट लगाने हैं, स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 169 किसका आंसर है, 13। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, दाएं बाएं का पता नहीं चल रहा आपको, मैंने आपको बोला था दाएं बाएं के लिए आप लेफ्ट और राइट लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और जब भी आपने दाएं या बाएं मुड़ना है तो आप अपने आप को स्टैंड करके देखें, आप अपने आप को यहाँ पे स्टैंड करके देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो आप इस डायरेक्शन में चलें, तो आपका जो एक हाथ है वो इस दिशा में होगा और दूसरा हाथ इस दिशा में होगा। अब आप खुद एक बार चेक करें कि आपका राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है, ये राइट बनेगा, ये आपका लेफ्ट बनेगा। तो एक बार अपने आप को यहाँ पे स्टैंड करके देखें। अगर मैं बोलता हूँ कि आप दक्षिण में जा रहे हैं, तो आप अपना जो फेस है वो एक बार दक्षिण की तरफ करके देखिए, दक्षिण की तरफ करके देखेंगे तो ये आपका राइट बन जाएगा, ये आपका लेफ्ट बन जाएगा, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। आपको अपने आप को यहाँ पे स्टैंड करके देखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। लेंथी लेंथी क्वेश्चन है थोड़े से आपके लिए। हाँ, जो आपका टेस्ट है उसमें दोनों लैंग्वेजेस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको बोला है आपका शायद मंडे को हो सकता है टेस्ट, ठीक है, अभी तक कोई कंफर्म तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर अभी काम चला है, कुछ क्वेश्चन आपके बन गए हैं। रीजनिंग का जो आपका टेस्ट होगा उसमें मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मिक्स क्वेश्चन आपके वो हैं जिनके कुछ टॉपिक कवर हो गए हैं, या फिर अगर किसी का कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो अपने आप को वो चेक कर सकता है कि उसको कहाँ तक रीजनिंग जो है वो अभी तक आती है। बाइलैंगुअल ही आपके क्वेश्चन होंगे, बाइलैंगुअल क्वेश्चन ही होने हैं आपके टेस्ट में। टेस्ट आपका शायद मंडे को हो सकता है, मंडे या ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा रीजनिंग का। आपको बोला गया है दो बहन एक्स और वाई एक ही स्थान से निकलती हैं, एक्स पश्चिम की तरफ जाती है, यहाँ पे बना लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से चलती है। एक्स जो है वो जाती है पश्चिम की तरफ कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ जाती है, बाएं कौन सा आएगा इसका मतलब लेफ्ट। आप अपने फेस को जहां पे सूरज डूबता है उस डायरेक्शन में करके देखें, फिर अपना लेफ्ट करके देखें तो आपका लेफ्ट आ जाएगा नीचे की तरफ, फिर आप जब नीचे जाते हैं कितना जाते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं, ऐसा बनेगा आपका। ये थोड़ी सी लाइन जो है वो यहाँ पे गलत बनी है। हाँ, तो ये डायरेक्शन आपकी बन गई साउथ की तरफ 3 किलोमीटर, फिर बाय जो है वो दक्षिण की तरफ जाता है 13 किलोमीटर, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे तो पहुँच गया एक्स, यहाँ पे पहुँचा है वो, अब जो बाय है वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, वो चला गया दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ चला गया और कितना गया, 13 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये 13 किलोमीटर बना लेते हैं। उसके बाद पश्चिम की तरफ जाता है 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब यहीं पर पहुँच जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बोला कि फिर वो बाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद वो बाएं मुड़ता है मतलब नीचे की तरफ मुड़ता है और 7 किलोमीटर चला जाता है। अब एक्स के संबंध में बाएं कहाँ पे है, तो बाएं यहाँ पे है और एक्स आपका यहाँ पे था, तो आपको यहाँ से लेके इसकी दिशा और दूरी बतानी है। अब दिशा कौन सी बनी, दक्षिण, तो आपका जो ऑप्शन है या तो ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा। अब टोटल डिस्टेंस पूछा है 3 किलोमीटर तो ऊपर है, टोटल 13 है और नीचे 7 है आपके पास, तो ये बन जाएगा 10 किलोमीटर ये वाला,
और नीचे कितना है 7 किलोमीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस 17 किलोमीटर। तो 17 आपका ऑप्शन बी साउथ ये आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन करें, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के। आयुष ट्यूसडे को ले लेना टेस्ट, हाँ कोई नहीं ट्यूसडे को ले लेंगे, अभी तक टेस्ट जो है वो पूरा बना नहीं है, तो मैंने आपको एक रफली अभी आपको डेट बताई है कि मंडे या ट्यूसडे के आसपास आपका एक टेस्ट होगा, तो आप उस टेस्ट को मिस ना करें। बस आपसे यही एक उम्मीद है कि आप उस टेस्ट को अच्छे से अच्छे, उस टेस्ट में अच्छे से अच्छे आप मार्क्स लेके आए। आपके क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, उसमें 30 या 40 क्वेश्चन का आपका टेस्ट रहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक आपको नहीं करवाए गए हैं, आप भी उनको चेक कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग इजी है बट आपको टाइम मैनेजमेंट उसमें आना चाहिए, क्योंकि पजल उसमें बनती हैं। दीक्षावर्धन वेस्ट, आयुष साउथ डायरेक्शन, इसका आंसर करें जल्दी से। ऑप्शन नहीं दिए गए हैं आपको इसमें, नहीं आपके आंसर गलत आ रहे हैं, आपके आंसर गलत आ रहे हैं। मनीष कुमार, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, हाँ बिल्कुल सही। दीक्षावर्धन आपने आंसर चेंज कर दिया, साउथ वेस्ट आंसर आएगा आपका। ईशा चौधरी, आंसर गलत है आपका, साउथ वेस्ट। 30 किलोमीटर आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है, आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है। एक बार ट्राई करते हैं, केशव दक्षिण की ओर जो है वो 15 किलोमीटर जाता है, यहाँ से इस डायरेक्शन में चला गया नीचे की तरफ 15 किलोमीटर, आगे बोला है दाई ओर मुड़ता है, इसका दायां कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दायां होगा, तो 25 किलोमीटर जाता वो, मैंने लिख लिया 25 किलोमीटर। अब पुनः दाई ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर जाता, मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन यहां तक जाएगा वो अभी, सिर्फ यहां तक, क्योंकि 15 नहीं बोला गया, ये वाली चीज यहां तक नहीं बोली गई है उसे। ये अगर ये वाला एरिया भी अगर वो कवर कर लेता तो टोटल हो जाता 15 किलोमीटर, बट वो यहां पे रुक गया है। अब वो चला था यहां से, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट। अब आपसे पूछा आरंभिक बिंदु से, मतलब स्टार्टिंग बिंदु से, जब भी आपको ऐसा पूछा जाए तो आपने स्टार्टिंग बिंदु से एंडिंग की तरफ एरो बना देना है। तो अब आप चेक करें ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर आपको ही समझ नहीं आया तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे आप एक सिंपली नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का टेबल बना लें, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ये ईस्ट होती है, ये आपकी वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ और ये आपकी साउथ, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन बन रही है ये वाली आपकी, तो आंसर आएगा साउथ वेस्ट। हाँ सभी के आंसर एक्यूरेट हैं। विशाल राजपूत, रूट 750, हाँ हो सकता है आंसर इसका, बट यहाँ पे पूछा नहीं गया था तो हमने नहीं निकाला। अगला क्वेश्चन करें, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी लाइन आपकी एक्यूरेट है, कौन सा यहाँ पे मैच हो रहा है हमारा आंसर। अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, अनु 35 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, यहां से स्टार्ट करेंगे, अनु जो है वो 35 मीटर दक्षिण की ओर चली गई, उसके बाद फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जाती है, यहां से मुड़ जाती है वो और जाती है 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, उसके बाद फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 45 मीटर जाती है, फिर यहां से वो दाईं तरफ मुड़ जाती है और कितना किलोमीटर जाएगी, 45, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी अब वो 45। फिर उसी समय बिट्टू जो है वो 25 मीटर उत्तर की तरफ जाती है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, अब इसी समय जो है वो बिट्टू जो है वो उत्तर की तरफ जाती है, हाँ यहाँ से चलेंगे और कितना जाएगी वो 25, अब ये टोटल 45 है, इसका मतलब है कि इससे वो ऊपर चली जाएगी। अगर इसको मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ तो 35 ये इससे ऊपर चली जाएगी, 25 किलोमीटर जो है वो इससे 45 से ऊपर चली जाएगी, हाँ यहां तक पहुंच जाएगी वो, उसके बाद बोला है वो फिर वो अपनी बाई ओर मुड़कर 15 मीटर
चलता है, बिट्टू जो है वो 15 मीटर चलता है बाई ओर मुड़कर, तो उसको बाई ओर मुड़ा देंगे 15 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक पहुंच जाएगा वो, यहां तक इस पॉइंट पे पहुंच गया, और एक जो है वो यहां पे खड़ा है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी लाइन एक्यूरेट है, अनु की स्थिति से बिट्टू अब कहाँ पे है, तो बिट्टू कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो मैच करेगा, बिट्टू अनु से 15 मीटर उत्तर की ओर है, अनु से यहाँ पे अनु है और यहाँ पे कौन है बिट्टू, तो वो उत्तर की डायरेक्शन में, और कितने मीटर, 15 मीटर। ये चीज़ आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब वो चली थी तो 25 आगे गई थी, ये 25 और 35 आपके हो जाएंगे 60, और ये 45, 45 और 15 भी आपके हो जाएंगे 60। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका सभी का। अगला क्वेश्चन करें जल्दी से, जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, जो आप कमेंट करेंगे बस मैं उसी को चेक करूंगा कि आपका आंसर एक्यूरेट है या नहीं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, जल्दी से आंसर करें, आपका 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, 30 सेकंड का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। अनुपम ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। हाँ पिछले क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से, 20 सेकंड आपके पास बचे हैं। जल्दी से आंसर करें आपका। हाँ सबसे टाइम ओवर है आपका, सबसे पहला आंसर दिया है मनीष कुमार, सिर्फ आपने ही टाइम के अंदर आंसर दिया है। रविशंकर आंसर गलत है आपका, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन डी एक्यूरेट है इसका, ऑप्शन डी एक्यूरेट आएगा, 4 किलोमीटर दक्षिण। रविशंकर नहीं, आंसर गलत है आपका, एक बार चेक करें, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है वो सभी सही हैं, बट आपने आंसर 30 सेकंड में नहीं दिया, आपने आंसर 30 सेकंड में नहीं दिया, आपको 30 सेकंड में आंसर देना है। मोहित राणा बिल्कुल सही आंसर है आपका, 4 किलोमीटर दक्षिण। अगर किसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बनाना है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो आगे वाले क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपके ही आंसर मैंने चेक करने हैं, अगर किसी को डाउट है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। जल्दी से अगला क्वेश्चन भी करें, अगला क्वेश्चन करें, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, स्टार्ट करें जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका। हवाई जहाज का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए बी सी या डी, टाइम स्टार्ट है आपका, जल्दी से, 10 सेकंड हो चुके हैं। दस सेकंड हो चुके हैं आपके, जल्दी से आंसर करें, 20 सेकंड हो गए हैं, जल्दी से आंसर बताएं आप अपना, क्या आंसर आएगा। कल आपके लिए एक टाइमर यहां पे लगा देंगे ताकि आपके लिए काफी एडवांटेजेस रहे उससे। ऑप्शन सी के साथ फिर से सबसे पहला जो आंसर दिया वो मनीष कुमार जी ने, सबसे पहला आंसर मनीष कुमार जी ने दिया है यहां पर। हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा, यहां पर 400 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन सी आपका यहां पर एक्यूरेट है। माधुरी ऑप्शन बी नहीं आएगा, अरुण कुमार ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी एक्यूरेट आएगा, 400 किलोमीटर पश्चिम। एक बार जरूर ट्राई करें आप इस चीज को, जब भी आपको इसकी पीडीएफ मिलती है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करें। हाँ 400 किलोमीटर बेस्ट, मोहित राणा का भी आंसर आ गया है, बट सबसे पहले जो आंसर दिया है वो दिया है मनीष कुमार ने, ऑप्शन सी। आपको स्पीड रखनी है, आपको स्पीड रखनी है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, जल्दी से इसको भी सॉल्व करें, 30 सेकंड के अंदर अपना आंसर बताएं, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से,
टाइम स्टार्ट है आपका, 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है, जल्दी से आंसर बताएं जल्दी से। जल्दी से पंद्रह सेकंड हो गए हैं आपके, 15 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं, 20 सेकंड। जल्दी से आंसर बताएं। टाइम अप, 30 सेकंड हो गए हैं, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है टाइम से। टाइम से आंसर नहीं आया है किसी का भी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है आपके लिए ये, लेकिन आपको ट्राई करना है कि कम से कम 30 सेकंड के अंदर आपका सॉल्यूशन यहाँ पर निकल के आए। जल्दी से ट्राई करें। जिसका आंसर नहीं आया है, अरुण कुमार सबसे पहले आंसर दिया है, ऑप्शन सी अंशुल, ऑप्शन सी अविनाश कपूर, ऑप्शन सी, बट ऑप्शन सी आपका गलत है, ऑप्शन सी नहीं आएगा, 6 किलोमीटर उत्तर नहीं आएगा, ये आंसर आपका गलत है। रिया मेहरा आंसर गलत है। अमित पहाड़िया का आंसर आया ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बट 30 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है। रविशंकर, ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा, रविशंकर, रवि, ऑप्शन ए नहीं आएगा, एक बार जरूर चेक करें आप इस चीज को, ऑप्शन बी आएगा इसका, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो 30 सेकंड के अंदर करना है। अच्छा, रूपाली गुलेरिया आपको करवा के बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ, आपका क्वेश्चन है, ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी जो है वो एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट किया, ए जो है वो क्या करता है, ए 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, यहां पे बना लेते हैं इसको, पश्चिम की तरफ चला गया वो 3 किलोमीटर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपसे पूछा, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, फिर क्या करता है वो, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब जो एक ए कोई यहाँ पे पर्सन है वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक वो दौड़ता है, दक्षिण की तरफ मुड़ेगा अब ये यहाँ पे और 5 किलोमीटर तक जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोला गया, फिर अपनी बाई सॉरी अपनी दाई ओर मुड़ के 7 किलोमीटर जाता है। अब इसका दाया मतलब राइट साइड जो है उसकी तरफ मुड़ता है और कितने किलोमीटर जाएगा, 7 किलोमीटर जाएगा, पहले 5 गया फिर 7 गया। अब बी जो है वो दक्षिण में 1 किलोमीटर जाता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पे ए पहुंच जाता है। अब यहाँ से चलना शुरू कर किया दोनों ने, तो यहीं से बी चलेगा, सबसे पहले 1 किलोमीटर जाता दक्षिण की तरफ, यहाँ पे पहुंचेगा, उसके बाद अपनी दाई ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर जाता है, दाई तरफ मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, तो सबसे पहले 3 किलोमीटर तो ये वाला हिस्सा कवर किया इसने, 3 और कितना जाएगा ये, इसको टोटल जो है वो 10 किलोमीटर तक जाना है, इसको जो टोटल है वो 10 किलोमीटर तक जाना है, ये हमारा 5 किलोमीटर का था, तो यहां पर पहुंच जाएगा वो, ये 3 किलोमीटर ये और 7 किलोमीटर और जाएगा, इसका मतलब कि ए के बिल्कुल सामने पहुंच जाएगा ये, तो यहां पे आ गया बी। अब बोला है ए की स्थिति से, बी कहां पर है, ए की स्थिति से बताना आपको, ये वाली चीज आपको बतानी है। एक तो डायरेक्शन ए से बी की डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर की डायरेक्शन, तो नॉर्थ आ गया आपका। अब आपको डिस्टेंस बताना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना था 5 किलोमीटर का, ये वाला डिस्टेंस कितना, 1, तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 4 किलोमीटर, ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका। हाँ, बता दिया गया है आपको ये, एक बार जरूर ट्राई करें आप अपनी तरफ से भी इस क्वेश्चन को दोबारा से। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। मैंने सोल्यूशन नहीं करवाना है आपको, अगर कोई सी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है
तभी मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। 30 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर बताएंगे। ट्राई करिए स्पीड के साथ। अगर कोई भी अगर आपका डाउट आता है, रूपाली, दीक्षा, मोहित, सौरभ मेहरा, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तब आप पूछ सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन करें आप। एक प्रवासी पक्षी उत्तर की तरफ 40 किलोमीटर तक उड़ता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। सबसे पहले आंसर दिया है अविनाश कपूर, ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन बी एक्यूरेट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 150 किलोमीटर उत्तर। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। माधुरी, ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा। रजित, आपने अपना आंसर चेंज कर दिया। आंसर चेंज ना करें, जो भी आपका आंसर आता है आप उसको कमेंट में देख के आंसर ना बताएं कि जो आपकी सीरीज चल रही है। जैसे सभी बीबी का आंसर बता रहे हैं तो सभी ने बी 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 के ऊपर टिक कर दिया। आप अपना आंसर जरूर निकालें यहाँ पर, और अगर आपका आंसर गलत आता है तो एक बार चेक करें, और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप पूछें, वो आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 150 किलोमीटर उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। हाँ सभी के बिल्कुल सही आंसर हैं पिछले क्वेश्चन के। इंटरनेट का इशू हो सकता है आकांक्षा, क्योंकि यहाँ से तो प्रॉपर ही है, वैसे सब कुछ इंटरनेट का इशू है आज थोड़ा सा, क्योंकि बारिश हुई है पिछले कल, तो उस वजह से लाइन में जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उस वजह से इंटरनेट के कनेक्शन थोड़े से वीक हो जाते हैं हमारे, तो शायद इस वजह से जो है वो वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का भी। पी और क्यू का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर, माधुरी, आयुष, सबसे पहले आंसर दे दिया है आपने। आपको स्पीड के साथ आंसर देना। दीक्षा वर्धन, ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा। रजित, ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। आयुष, ऑप्शन ए। हाँ बिल्कुल सही आंसर आप सभी के, आपको पूरे टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो आपने कर दिया है। रिया मेहरा, अभिषेक डोगरा, अमित पहाड़िया, सभी के आंसर एक्यूरेट हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अंकित चौधरी, अविनाश कपूर, अमित पहाड़िया, रिया मेहरा, आयुष, रजित, अंकुश अंगारिया, बिल्कुल सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन जल्दी से करिए सॉल्व। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आपके लिए डाले गए हैं ताकि प्रैक्टिस जो है वो आपकी और अच्छे से हो जाए। हाँ सौरभ मेहरा, आपका आंसर थोड़ा सा लेट आया है। आंसर आपका बिल्कुल सही है, बट थोड़ी सी स्पीड रखें आकांक्षा, थोड़ी सी स्पीड रखें। रिजुल कपूर, स्पीड के साथ आंसर बताना है आपको। कल का जो आपका सेशन रहेगा उसमें आपके शेडो वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। शेडो वाले क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए जाएंगे। कल आपकी शायद मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास नहीं होगी, शायद है अभी तक, क्योंकि थोड़ा सा काम है उस वजह से शायद आपकी क्लास करंट अफेयर की ना हो। सबसे पहले मैथ की हो सकती है आपकी सबसे पहली कल क्लास, या फिर इंग्लिश की।
जल्दी से आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, ऑप्शन ए आंसर नहीं है, ऑप्शन ए तो गलत है। ये तो मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए लगाया था यहाँ पे टिक। आप सबने ऑप्शन ए, जल्दी से ही ऑप्शन ए आपने बता दिया। ये तो मैंने सिर्फ आपको पजल करने के लिए यहाँ पे लिखा था, ऑप्शन ए मैंने इसके ऊपर टिक किया था, बट सभी ने ऑप्शन ए के ऊपर आंसर बता दिया। हाँ, अंकित चौधरी ऑप्शन डी, रवि आपका आंसर एक्यूरेट है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। अमित का आंसर भी बिल्कुल सही है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। रिया मेहरा आपका आंसर भी एक्यूरेट है। आयुष शर्मा आंसर चेंज कर दिया वह आपने। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आप सभी के, एक बार जरूर चेक करते रहें आप। हाँ ऑप्शन डी, नितिन कटोच ऑप्शन डी आपका सही है, शिवाली राजपूत, रिजुल कपूर। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। अगले 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में आ जाएंगे आपके लिए, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। जल्दी से आंसर बताएं इस चीज का। जल्दी से आंसर बताएं। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया समझ? हिमाचली कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है समझ? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला या फिर एक्स और वाई वाला? कमेंट करें आप, फिर आपको वो क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। हाँ ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हाँ 130 मीटर पूर्व। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, ऑप्शन ए एक्यूरेट आंसर है, 130 मीटर पूर्व। हाँ 130 मीटर पूर्व जो आपका आंसर है, 130 मीटर ईस्ट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका। जल्दी से अगला क्वेश्चन भी आपको करना है। मंडे से जो है वो आपकी क्लास ऐप के ऊपर लगाई जाएगी, तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपकी क्लास लगाई जाएगी मंडे से, आपको ऐप को अपडेट करना है, आपके प्ले स्टोर से आपका ऐप एक बार अपडेट होना चाहिए। मंडे से आप सभी की क्लासेस जो हैं वो ऐप के ऊपर स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो ऐप को आप अपडेट कर लें आज ही। और अगर फिर भी कोई अगर आपकी क्वेरी रहती है ऐप के रिगार्डिंग तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको ऐप को अपडेट करना है। मंडे से आप सभी की क्लासेस ऐप के ऊपर ही लगाई जाएंगी। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप बताएं जल्दी से। अंकुश अंगारिया, ऑप्शन ए आंसर नहीं है, ऑप्शन ए आंसर गलत है। मैंने फिर से ऐसे ही टिक किया था ये आपने, और उसी के ऊपर आगे टिक कर दिया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर गलत है, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। हाँ, नितिन कटोच, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर दक्षिण साउथ की तरफ, ऑप्शन सी आंसर आएगा। रविशंकर, आपका आंसर भी गलत है। रोहित कुमार, आंसर गलत है आपका। आयुष शर्मा, आपका आंसर भी गलत है, ऑप्शन सी आएगा। शीतल, अंशुल, अंकित, विशाल, रिजुल, सौरभ, मोहित, ईशा, रूपाली, आप सभी के आंसर एक्यूरेट हैं। 12 किलोमीटर दक्षिण, ये आपका यहाँ पे आंसर आना है। अगला क्वेश्चन करें जल्दी से, अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 60% डायरेक्शन इजीली कवर हो जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ऑप्शन बी अतुल राणा, नहीं ऑप्शन बी तो नहीं आएगा। आंसर करें जल्दी से, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है। हाँ, ऑप्शन सी अतुल, आपने आंसर चेंज कर दिया बट अभी। रोहिणी जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है यहाँ पे, उसके बाद वो दाईं तरफ मुड़ती है, इस तरफ को मुड़ जाएगी, और कितना किलोमीटर जाती है फिर से, 10 किलोमीटर ही जाती है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है, और सॉरी बाएं मुड़ती है मतलब ऊपर की तरफ, और कितना जाती है 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है तो कितना जाती है 10 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी बतानी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये डिस्टेंस बताना है। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, सभी का आंसर एक्यूरेट है, 20√2। तो सबसे पहले यहाँ पर पाइथागोरस लगेगी, ये वाला डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। फिर सेम ट्राइंगल यहाँ पर है तो इसको भी कैलकुलेट करना है, फिर दोनों को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर अगर आपको कंप्लीट ट्राइंगल बनानी है तो आप यहाँ से इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं इस वे में, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। तो टोटल ये आपका बन जाएगा 20, और ये भी आपका बन जाएगा 20, तब भी आप यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बनेगा एच स्क्वेयर, अगर मैं इसको बड़ी वाली ट्राइंगल से सॉल्व करता हूँ तो 20 का स्क्वेयर आपका 400, और प्लस फिर से 400, तो आपका ये बनेगा 800। 800 को अगर मैं ब्रेक करके लिखता हूँ, क्योंकि ये अंडर रूट में जाएगा, इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो आपका आंसर बनेगा 400 × 2, और 400 जो है वो आपका रूट होता है 20 का, 20√2। तो ऑप्शन सी आपका एक्यूरेट होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। मनीष कुमार, आपका नाम भी लेंगे, आप जल्दी से अपना आंसर करेंगे, आपका नाम भी लेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आप इसका आंसर करें, आपका नाम भी लिया जाएगा। हाँ, सही आंसर है शालू आपका। नितिन, आपका आंसर भी सही है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। मंडे को आप सभी की ऐप के ऊपर क्लासेस लग जाएंगी। प्ले स्टोर से आप विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मंडे से सभी की क्लासेस ऐप के ऊपर लगेंगी आपकी। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने ऐप को डाउनलोड किया है तो एक बार आप उस ऐप को अपडेट कर लें प्ले स्टोर से, तभी आपकी जो वीडियो है वो प्ले हो पाएगी। अगर कोई भी उसमें डाउट रहता है आपका तो आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप जल्दी से। जल्दी से जिगजैग करके आपका इसमें एक डायग्राम बनेगी कुछ इस वे में, आपकी डायरेक्शन बननी है ये।
ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। हाँ, मनीष कुमार का आंसर बिल्कुल सही है और सबसे पहले आंसर दिया है इन्होंने ऑप्शन सी, नॉर्थ उत्तर डायरेक्शन इसका आंसर आएगा। अंकित चौधरी आपका आंसर गलत है, ऑप्शन ए नहीं आएगा। आयुष आपका आंसर भी गलत है। क्या सभी की जो डायरेक्शन की डायग्राम है वो कुछ इस टाइप की बन रही है? कमेंट करें क्या इस टाइप का आपका डायग्राम बन रहा है या नहीं बन रहा है। कुछ इस टाइप की बननी चाहिए आपकी डायग्राम। हाँ, नॉर्थ सी ऑप्शन आपका एक्यूरेट है। एक बार विजयपथ एजुकेशन को आप अपडेट कर लें, जो आपके पास एप्लीकेशन है मोबाइल पे आप उसको अपडेट कर लें। मंडे से आपकी क्लासेस उसी के ऊपर लगेंगी। हाँ बिल्कुल सही आंसर है सभी के। हाँ इसी टाइप की आपकी बनी है। जल्दी से अगला क्वेश्चन करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सबसे यूनिक क्वेश्चन है आज का। आज की इस वीडियो का सबसे यूनिक क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला गया है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ता है, तो वो किस दिशा में जा रहा है? जल्दी से आंसर बताएं आप अपना। नहीं, नेक्स्ट क्लास आपकी हिस्ट्री की नहीं होगी, शायद आपकी मैथ की क्लास हो सकती है, शायद है। नहीं तो आज आपकी ये लास्ट क्लास रहेगी रीजनिंग की, इसके बाद कल आपकी क्लासेस होनी है। जल्दी से इसका आंसर बताएं आप। जल्दी से आंसर बताएं इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा? आपको क्या बोला गया है कि उत्तर को उत्तर पश्चिम बोला जाए, उत्तर को यदि उत्तर पश्चिम बोला जाए, मतलब जो हमारी डायरेक्शन है आपने उसको चेंज कर दिया। आपको पता है कि चार हमारे पास मेजर डायरेक्शंस हैं, उत्तर हमारा ये है नॉर्थ, ये आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ बनाता हूँ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है हमारे पास साउथ। इसके बीच में भी चार डायरेक्शंस आती हैं, यहाँ पे चेंज कर दिया। अब आपको बोला जाए कि उत्तर को उत्तर पश्चिम बोला जाए, मतलब ये जो आपकी नॉर्थ वाली डायरेक्शन है इसको क्या बोला जाए? उत्तर पश्चिम अगर बोला जाता है, यदि इसको उत्तर पश्चिम बोला जाए, तो उत्तर पश्चिम का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। यदि इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोल दिया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट के सामने कौन सी डायरेक्शन होती है, ये आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सामने कौन सा होता है? साउथ वेस्ट। तो ये क्या बन जाएगी? साउथ वेस्ट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हाँ, ऑप्शन डी सभी के आंसर है, कामिनी ठाकुर। ऑप्शन सी नहीं आएगा शालू, ऑप्शन सी गलत है आंसर आपका, ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आंसर नहीं आएगा इसका, ऑप्शन डी इज द एक्यूरेट आंसर। एक बार चेक करें, ये जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक बार आप उसको ज़रूर देखें। आपको आगे क्या बोला गया है कि दक्षिण को क्या बोला जाए? दक्षिण पूर्व बोला जाए, या हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ ये वाली डायरेक्शन दक्षिण होती है वैसे, इसको दक्षिण पूर्व बोल दिया गया। अब एक व्यक्ति बोला दक्षिण पश्चिम से। सबसे पहले इस डायग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बाद कौन सी डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ आ रही है। तो यहाँ पे आप इसको पहले डायरेक्शन बनाएं, ठीक है, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। इस वे में डायरेक्शन आपको बनानी है, ये आपकी बन जाएगी साउथ वेस्ट, आपको ये बनी है।
दक्षिण पश्चिम आपकी डायरेक्शन बनेगी ये। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, वो चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है। स्टार्टिंग में आपको बोला गया था कि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, मतलब मैंने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कर लिया है, तो ये हमारा डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है यहाँ पर। आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार देखें। यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजिंग होनी है। आपको बोला है उत्तर को उत्तर पश्चिम बोला जाए, इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट बोला गया इस चीज़ को। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन आपको बोली गई। तो नॉर्थ वेस्ट के सामने कौन सी डायरेक्शन आ जाती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ जाती है। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करवाएं, जब आप इस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करवाएंगे तो ये आपका नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में आता है साउथ, ये ईस्ट बनेगा, ये आपका बनेगा वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट बनेगा और ये आपका बनेगा साउथ वेस्ट। ये चीज़ आ गई। अब आपको बोला एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से चलता है, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर चला जाता है। अब एक आदमी जो है वो दक्षिण पश्चिम से चलता है और सीधा उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर सीधा चलता है। तो आपको बताना है कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी वो आपका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। आप इसको ट्राई करें, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, दक्षिण पश्चिम। समझ आ रहा है कि आपको क्वेश्चन ये? हाँ, यहाँ पे आपको बोला कि दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की तरफ वो पहुंच गया। उत्तर पूर्व मतलब यहाँ पे पहुंच गया। अब इसके बाद वो बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ता है। यहाँ से सबसे पहले वो इस डायरेक्शन में आ गया, फिर वो बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब बोला फिर वो सीधे चलता है, तो सीधे चलेगा मतलब इस डायरेक्शन में वो चलता है, इस डायरेक्शन में। तो बाएं मुड़ के सीधे चलता है, तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वो दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम में जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार डायरेक्शन की। जल्दी से अगला क्वेश्चन करें, लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करें। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में चेंज किया जाता है तो उत्तर पूर्व को पश्चिम में, और आगे भी अगर इसको ऐसे ही चेंज किया जाए तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा? रोटेशन आप यहां पे कर सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं एक सिंपल सा। आपको बोला गया है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर में बोला जाए, दक्षिण पूर्व का मतलब होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया जाए, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाना आपने। साउथ ईस्ट कौन सा होता है? अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ड्रॉ करता हूँ, ये होता है हमारे पास ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। साउथ ईस्ट मतलब ये वाली चीज़, इसको हमने नॉर्थ में चेंज करना है, इसको आप नॉर्थ में चेंज करिए। आपको रोटेशन यहां पे यूज करनी है। इसका मतलब है कि जब आप इस डायरेक्शन से नॉर्थ में जाते हैं तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कितना गए? 135 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज गए। जब आप इस डायरेक्शन से नॉर्थ में जा रहे हैं तो ये जो हमारे पास एक ये वाला एंगल है, ये होता है कंप्लीट 90 डिग्री का, जिसको राइट एंगल बोलते हैं या फिर समकोण बोलते हैं। और अगर इसके बीच में अगर कोई लाइन बन जाए तो ये 45 और 45 का एंगल बनता है। तो सबसे पहले एक 45 ये बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा 90 का। तो मैं इसका मतलब 135 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करिए। उसके बाद आपको बोला उत्तर पूर्व को पश्चिम में चेंज किया जाता है, उत्तर पूर्व को पश्चिम में चेंज किया जाता है। ये जो आपकी डायरेक्शन है ये आपकी किसकी तरह बिहेव करेगी? अब
उत्तर पूर्व को पश्चिम में चेंज किया जाता है। उत्तर पूर्व कौन सा है आपका, ये वाली डायरेक्शन, इसको पश्चिम में चेंज किया जाता है, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में आ गए, तो कितना आगे आए आप, फिर से आप फिर से यहाँ पे आ गया है 135 डिग्री, 135 डिग्री आप फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अब आपसे पूछा है कि दक्षिण को क्या बोला जाएगा, अब साउथ वाली डायरेक्शन ये होती है आपकी, तो यहाँ से जब आप, यहाँ से फिर से जब आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, सबसे पहले ये जाएगा 90 डिग्री और ये जाएगा आपका फिर से 45, तो 145 और यहाँ पे पहुँच गए, तो कौन सी वाली डायरेक्शन आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व। ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट आंसर है, ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से ट्राई करें इसको। अतुल राणा ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, जल्दी से आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। मनीष कुमार, सबसे पहले आंसर दिया है 15 किलोमीटर और आपका आंसर बिल्कुल सही है, 15 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी आपका आंसर है। वैसे ही अगला क्वेश्चन आपका, आंसर बताएं इसका भी। लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं, उसके बाद आपका एक कंप्लीट पोर्शन जो है वो आपका हो जाएगा डायरेक्शन का, और कल जो है वो आपका स्टार्ट करेंगे शेडो वाले क्वेश्चन, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा। हाँ मनीष कुमार का फिर से सबसे पहले आंसर आया है वेस्ट, ऑप्शन सी पश्चिम आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। रजित कुमार, नितिन, अरुण, अभिषेक, आयुष, नितिन, सबका आंसर एक्यूरेट है। दीक्षा, अंकित, रिया, हाँ सबसे इजी क्वेश्चन है ये और सभी ने आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिया है। माधुरी, रिया, रविशंकर, अतुल राणा, शशि कुमार, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आपके सामने इस टाइम पे क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इजी है, इसलिए मैं इसको जो है वो स्लाइड के थ्रू, जो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करनी है खुद इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पजल की फॉर्मेशन में आपका क्वेश्चन हो सकता है ये, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं ये, और यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाई गई हैं और आपसे पूछा है कि क्यू का चेहरा कौन सी डायरेक्शन में है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, आपको बोला गया है 4 दोस्त हैं पी क्यू आर एस, वो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, और पी आर 2 जोड़ीदार हैं और एस और क्यू जोड़ीदार है, तब आपको ये बनाना है। आपको पता है जब कैरम बोर्ड खेला जाता है तो आपको एक बॉक्स की फॉर्मेशन में बैठना होता है, जैसे अगर मैंने ये कैरम बोर्ड रख दिया तो 4 पर्सन जो हैं वो इसके आमने सामने बैठेंगे, तो ऐसे करके आप यहाँ पे बिठा सकते हैं।
जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। अब आपको बोला है पी और आर, वो जोड़ीदार है। जोड़ीदार का मतलब होता है पी के सामने आर बैठा होगा, तभी जोड़ीदार हुए। उसके बाद एस और क्यू, ये दोनों भी क्या है? जोड़ीदार है। हाँ, मनीष कुमार का आंसर आया है ईस्ट। ईस्ट, एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर है एक्यूरेट आपका या नहीं है। एक बार चेक करेंगे इस चीज को हम जरूर, क्योंकि आपके आंसर में यहाँ पे थोड़ी सी गलती लग रही है। ठीक है, चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। चार दोस्त ये बैठे हैं, पी और आर जोड़ीदार हैं, और एस और क्यू क्या हैं? हमारे जोड़ीदार हैं। मतलब एस और क्यू आमने सामने हैं और पी और आर भी आमने सामने। सबसे पहली कंडीशन है एस आर के दाहिनी ओर बैठा है। ठीक है, एस आर के दाहिनी ओर बैठा है। अब एस को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल एस को यहाँ मैंने यहाँ पे बिठा दिया, तो आर के दाहिनी तरफ बैठना चाहिए। तो अगर आर यहाँ पे होगा तो आर के दाएं तरफ कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि आर का चेहरा जो है वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अब आर का चेहरा ये अंदर की तरफ देख रहा है, मतलब ये तो ईस्ट की तरफ देख रहा है, लेकिन कंडीशन बोली गई कि आर जो है वो किस तरफ होना चाहिए? उसका चेहरा, उसका चेहरा होना चाहिए पश्चिम की तरफ, क्योंकि ये जितने भी दोस्त हैं ये सारे के सारे अंदर की तरफ देखेंगे, क्योंकि कैरम बोर्ड जो है वो अंदर की तरफ खेला जाता है, तो अंदर की तरफ देखें। अब आर की डायरेक्शन बोली गई है कि वो किस तरफ देखता? पश्चिम। तो आर आपका यहाँ पे फिट बैठेगा, क्योंकि तभी क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में देखेगा। उसके बाद आपको अगली कंडीशन जो हमने यहाँ पे कंडीशन मिस की थी, वो वाली कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला है एस के दाहिनी तरफ कौन, सॉरी आर के दाहिनी तरफ कौन बैठा है? आर के दाहिनी तरफ कौन बैठा है? एस बैठा है। आर का दायां एस है, तो आर का, अगर आर ये है तो आर की दाईं तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में कौन बैठा होगा? एस बैठा होगा। ये हमने बिठा दिए। अब आपको ये पता है पी और आर की जोड़ी है, अगर आर यहाँ पे है तो उसका दूसरा पार्टनर कहाँ पे होगा? इस तरफ होगा, तभी जोड़ीदार बनेंगे। अगर एस यहाँ पे है तो एस का दूसरा पार्टनर कौन है? क्यू, तो क्यू यहाँ पे बैठेगा। अब आपसे पूछा कि क्यू का चेहरा किस डायरेक्शन में, तो आप खुद देखिए क्यू कौन सी दिशा को देख रहा है? वो यहाँ पे बैठा है और अंदर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर की तरफ एरो बन रहा है। कौन सी डायरेक्शन हुई इसकी? नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर आएगा। तो मनीष कुमार का आंसर यहाँ पे एक्यूरेट है, और ऑलमोस्ट बाकी सभी के आंसर जो हैं वो यहाँ पे गलत जा रहे हैं। शशि कुमार, अंकित, शिवाली, सौरभ, आपके आंसर गलत है। माधुरी का आंसर एक्यूरेट है, माधुरी का आंसर जो है वो एक्यूरेट है। यहाँ पर रोहित का आंसर भी एक्यूरेट है, आयुष का आंसर भी बिल्कुल सही है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन ट्राई करें आप फिर से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एंगल का क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करें, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की इस वीडियो का, ट्राई करें जल्दी से। नितिन कटोच, लेट आंसर किया है आपने। ऑप्शन ए नॉर्थ, आपका आंसर लेट आ रहा है, आपको स्पीड रखनी है यहां पर। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। मनीष कुमार का आंसर आया है ऑप्शन सी। जल्दी से आंसर करें कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी के साथ आप जा रहे हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। दीक्षा, ऑप्शन ए। मनीष कुमार, साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी। अब मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आप यहां पे आंसर बताइएगा। आपको बोला गया है कि किसी एक स्थान से एक आदमी चलना शुरू करता है, 3 किलोमीटर सबसे पहले पूर्व की तरफ जाता है, यहाँ से चला वो और इस डायरेक्शन में चला गया 3 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ता है, और कितना किलोमीटर जाता है वो? 4 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह 45 डिग्री मुड़ता है, कितने एंगल पे मुड़ता है? 45 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे अच्छा जो लॉजिक है, आपको पता है
कि जब भी हम डी का यूज़ करते थे, मतलब 10th या 9th क्लास में जब हम डी का यूज़ करते थे, इस टाइप की हमारी जो डी थी वो बनती थी। ठीक है, यहाँ से जिन्होंने भी 9th या 10th में ड्राइंग रखी है उनको पता होगा कि जो 45 डिग्री का एंगल है वो कुछ इस टाइप का बनाया जाता था, ऐसे करके यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन ये 45 का एंगल तब बनता है जब हमारे पास बेस ऐसे नीचे की तरफ हो, बेस इस डायरेक्शन में हो। लेकिन इस बार जो बेस है वो आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में, आपका बेस इस डायरेक्शन में है, तो आपको डी कुछ इस टाइप की रखनी पड़ेगी। अब तो आपका जो एंगल है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे करके। आप एक बार यहाँ पे ध्यान से सुने इस चीज़ को जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑप्शन सी आप सभी के आंसर गलत हैं, ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आंसर नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक बार यहाँ पे आप देखें, जब भी हम डी का यूज़ करते थे स्कूल में, या फिर जिन्होंने ड्राइंग देखी उनको पता होगा कि जब हम डी का यूज़ करते हैं 45 डिग्री का एंगल कुछ इस वे में बनाया जाता है। लेकिन ये तब बनाते हैं जब बेस जो है हमारा वो एक एक सिंगल लाइन, मतलब नीचे एक अगर लाइन हो, जब वो ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में लाइन हो, तब हमारा 45 का एंगल कुछ ऐसे बनता है। लेकिन अब जो ये 4 किलोमीटर जा रहा है तो डायरेक्शन हमारी कैसे है, ऊपर की तरफ, लाइन ऐसे है, तो डी आपको कुछ ऐसे करके रखनी पड़ेगी घुमा के। जब आप डी घुमा के रखेंगे तो आपका 45 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा बनेगा। तो जब आप यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आपकी डायरेक्शन ये बनेगी, ये जो मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन बतानी है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप एक बार यहाँ पे हल्का सा छोटा सा कॉलम ड्रॉ करके देखें, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? आपको जैसे डी का यूज करते हैं वैसे ही आपको यहां पे करना है, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? आंसर बताएं आप। हाँ मनीष कुमार, क्लियर है आपको? ठीक है, लास्ट है आपका ये आज की इस वीडियो का क्वेश्चन ये। सो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर कर दें, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको इजीली क्लियर है। सो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें आप, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, और आज आपको जो है वो जितने अभी रीजनिंग के टॉपिक करवाए हैं उनकी भी पीडीएफ प्रैक्टिस की फॉर्म में आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे।